हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनीता विनीज मिल्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल का जूस बनाने की बिल्कुल सरल विधि। पाइनएप्पल को पहले हम लेके उसका क्राउन कट कर लेंगे, उसके बाद उसकी स्लाइसेस निकाल लेंगे। पाइनएप्पल को कैसे कट करना है इसका मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बस इस तरह से सारे जो पाइनएप्पल के स्लाइसेस निकलेंगे, उसे जो कट किया है हमने, जो बिल्कुल आसान तरीके से पाइनएप्पल कट हो जाता है, बस वो सारे स्लाइसेस हम मिक्सर ग्राइंडर में ले लेंगे। पाइनएप्पल को पहले आप टेस्ट कर लीजिए, अगर पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा खट्टा है तो उसमें शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच ही शक्कर ली है क्योंकि पाइनएप्पल बहुत अच्छा मीठा था। बस कुछ आइस क्यूब ले लिए हैं और फिर इसमें आधा ग्लास पानी ऐड किया है। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप इसको चाहें तो इसमें थोड़ी सी पुदीना की पत्ती, थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर चूंकि पाइनएप्पल बिल्कुल मीठा था इसलिए फिर मैंने दूसरी कोई भी चीज़ इसमें एडिशनल ऐड नहीं करी है। और बस अब उसको पूरे जूस को हमें अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया और फिर छन्नी में इस तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फ्लफी बना है, बिल्कुल एकदम जैसे झाग आए हुए हैं उस जूस में। ऊपर इसमें क्या होता है, नीचे नीचे एकदम लिक्विड रह जाता है और ऊपर एकदम फैन रहते हैं उसके, बिल्कुल झाग झाग रहते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम पूरे जूस को हम इसी तरह से छान लेंगे। फिर हम इसे अच्छा सा चिल्ड चिल्ड उसे ग्लास में सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है, मेरा ये मेथड कैसा लग रहा है, मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स में उसे शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए हमारा पूरा जूस छनकर भी तैयार हो गया। ये देखिए कितने अच्छे ऊपर बिल्कुल झाग है, एकदम स्मूथ ही बनी है जैसा लग रहा है। बस अब हम इस जूस को ग्लास में सर्व करेंगे। देखिए अब हम ग्लास को थोड़ा सा पहले शुगर पाउडर लगा के उसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। उससे क्या है, जूस पीने वाले बस ग्लास देखते ही मन कर जाता है, बस इतना शानदार जूस बना है और बस हम इसे अभी इमीडिएट पी जाए। वैसे भी वाकई में बहुत शानदार ही बना है, आप भी इस मेथड से बनाइए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जूस कैसा लगा। ये देखिए कितना शानदार जूस है, बिल्कुल जो मार्केट में मिलता है ना उससे तो लाख गुना अच्छा है क्योंकि बिल्कुल प्योर जूस है।